हंग्री स्पिरिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस मराठी के उस कंटेस्टेंट की जो काफी पॉपुलर है, यानी कि हरदर अजीज है। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो अंदाजा लगाएं, और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो के नीचे लाल बटन पे उंगली करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Tipu tipu barsa paani, paani aate hai. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेशम टिपनिस की। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेशम टिपनिस कैमरा के आगे किसी संदेश नाम के व्यक्ति की बात कर रही थी कि काश अगर संदेश मिलने आ जाता तो बाद में पता चला कि संदेश मैडम का बॉयफ्रेंड है, काफी समय से उनका रिलेशनशिप चल रहा है। जब ये पता चली तो खुजली थोड़ी और बढ़ी, तो हमने सोचा कि थोड़ा और डीपली जाके पता किया जाए। पता तो करें कि ये संदेश आप बिग बॉस देखते भी हैं कि नहीं देखते। तो पता चला कि संदेश जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने क्या कहा ये हम बताएंगे। पहले फिर भी अभी भी कोई बचा खुचा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों संदेश साहब सबसे पहले कहते हैं कि वो बिग बॉस देखते हैं और उनके हिसाब से रेशम अच्छा खेल रही है और रेशम ही जीतेगी। अरे संदेश भाई ये क्या कह रहे हो, मेगा फैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आगे संदेश जी कहते हैं कि मैं और रेशम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। दोस्तों जब फ्यूचर प्लान्स की बात आई तो संदेश ने कहा कि अभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है और अभी तक हमने शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। फिर हुई वो बात जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, जी हाँ, राजेश और रेशम के ऑन स्क्रीन प्यार की बात। इस पर संदेश ने कहा कि अब ये एक गेम है और शायद रेशम को ये सब करने के लिए शो मेकर्स ने कहा हो। दोस्तों उन्होंने ये कन्फेस भी किया कि शुरू में उन्हें स्क्रीन पर रेशम और राजेश के साथ देख के बुरा लगा था, मगर उनके फ्रेंड ने उसे समझाया और बस समझ गया। वो सुनाया आपने कि दिल बहलाने को गालिब जी ये ख्याल अच्छा है। यार ऐसा क्या समझा दिया भाई संदेश, चलो जो भी हो आपका पर्सनल मैटर है। और आखिर में जब उन्हें ये पूछा गया कि रेशम से वो मिलने क्यों नहीं गए तो वो बोले ऐसे कैसे मिलने चला जाता, मुझे इन्वाइट ही नहीं किया। अगर उनको इनवाइट करते तो भी वो नहीं जाते क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। ये तो हो गई जी संदेश की बात। आप क्या कहते हैं कि अगर बिग बॉस संदेश को बुलाएंगे तो क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा? हमें तो भैया लगता है संदेश जी जरूर जाएंगे, आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.